हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में समझा था। आज के वीडियो लेक्चर में देखिए, हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स करने वाले हैं और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में समझने वाले हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके न्यूमेरिकल्स पे किस तरीके से अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल्स करा देता हूं जो कि हमने पीछे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में समझा था उसके ऊपर। ओके, लाइक देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 गैस एंड H2O लिक्विड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 50 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, हमने क्या लिया है, 50 ग्राम ब्यूटेन लिया हुआ है। अब कहता है कि उसके कंप्लीट कंबस्शन से कितने ग्राम CO2 बनेगा एंड कितने ग्राम H2O बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जैसा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। उस बैलेंस रिएक्शन के बेसिस पे हम पहले खुद से वैल्यूज लिखेंगे कि भाई कितने ग्राम से कितना बनता है, फिर जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ब्यूटेन का फॉर्मूला देखे तो क्या होता है, C4H10। ठीक है, ब्यूटेन का कंबस्शन किया और हमने आपको बताया था किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन करेंगे तो क्या बनता है, CO2 + H2O। ठीक है, CO2 बनेगा एंड प्लस H2O बनेगा। ठीक है, H2O है ना। तो यहां से देखिए, जब हमने ब्यूटेन का कंबस्शन किया तो CO2 और H2O जो बना है उस रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। यहां नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो देखिए यहां पे हमने आगे 4 इंट्रोड्यूस कर दिया। सेकंड, हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको बताया था फर्स्ट कार्बन को बैलेंस करिए, देन हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, फाइनली ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहां पे 10 है तो यहां पे आगे हमने 5 इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उधर काउंट कर लीजिए, ठीक है, 4 2 8 ऑक्सीजन और 5 ऑक्सीजन, टोटल 13 ऑक्सीजन। तो अगर उधर ऑड नंबर में ऑक्सीजन आता है तो क्या करिए, जो ये O2 है उसका डिवाइड बाय 2 करिए। तो ये किस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं, एज अ सिंगल O। अब उधर 13 ऑक्सीजन थे तो यहां पे 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऑड नंबर में अगर उधर ऑक्सीजन आता है तो ये बैलेंस करने का बिल्कुल सिंपल सा आपका तरीका हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2 करके जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन उधर इंट्रोड्यूस करने हैं उतने यहां पे लगा दीजिए। ओके, अब ये आपके सामने एक बैलेंस रिएक्शन है। तो पहले हम खुद से वाली वैल्यूज लिख लें कि भाई कितने ग्राम से कितना बनता है। लाइक यहां पे अगर 1 मोल ब्यूटेन है तो 1 मोल ब्यूटेन का मास कितना हो जाता है, ठीक है, 1 मोल ब्यूटेन का मास हो जाता है आपका 12 4 48 48 + 10 58। ठीक है, 58 ग्राम ब्यूटेन, 1 मोल ब्यूटेन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर उधर देखिए CO2 का मास कितना हो जाएगा, 4 × 44 है ना, 4 × 44 तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 4 4 = 16 है ना, 1 कैरी करेंगे, 4 4 = 16 117, 176 ग्राम CO2 हो जाएगा, प्लस 5 मोल H2O का मोलर मास 18 × 5 कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। ये क्लियर है कि अगर मैंने 58 ग्राम ब्यूटेन का कंबस्शन किया तो 176 ग्राम CO2 प्लस 90 ग्राम हमारा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ओके, अब देखिए हमने रिएक्शन में कितना ब्यूटेन लिया हुआ है, 50 ग्राम। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी खुद से वाली, ये वैल्यू हमारी है क्वेश्चन से वाली। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कितना, 50 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई इतने ग्राम से इतना बनता है तो इतने ग्राम से कितना बनेगा, तो 50
इंटू 176 डिवाइडेड बाई 58, दिस मच ग्राम आपका CO2 बनेगा। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, जो भी आता है दैट मच ग्राम CO2 आपका प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली देखिए, वाटर हमें निकालना है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 58 ग्राम ब्यूटेन से 90 ग्राम वाटर बनता है, तो 50 ग्राम ब्यूटेन से कितना बनेगा, 50 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 58, ये आपका हो जाएगा वाटर का मास। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, जो भी आंसर आता है वो आपका ग्राम ऑफ वाटर होगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो बहुत ही सिंपलेस्ट वे में हम यूनिटरी मेथड से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली जो प्राइम रिक्वायरमेंट है वो है एक बैलेंस रिएक्शन। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो हमें खुद से लिखना होगा। ठीक है, फिर हम पहले खुद से वैल्यूज लिखेंगे कि भाई एक स्टैंडर्ड क्या है गिवन रिएक्शन का, कितने ग्राम से कितना ग्राम प्रोड्यूस होता है। फिर क्वेश्चन पे चले आएंगे कि भाई उतने ग्राम से कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा। आई होप आपको बात क्लियर होगी। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे कोई भी रिएक्टेंट्स का अमाउंट दिया हो, प्रोडक्ट्स का अमाउंट कैलकुलेट करना हो, या प्रोडक्ट का अमाउंट दिया हो, रिएक्टेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना हो, इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे। इसी के अंदर देखिए एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट का, उसको समझते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये एक छोटा विंडो है आपका स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर ही। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट देखिए, सपोज करिए मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने इंट्रोड्यूस किया 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस को विथ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, और इस रिएक्शन कंटेनर में मुझे नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन करके अमोनिया बनाना था। ठीक है, जैसा सिंपल आपकी अमोनिया बनाने वाली रिएक्शन क्या होती है, N2 गैस प्लस 3S2 गैस गिव्स 2NH3, है ना। हैबर्स प्रोसेस में भी यही रिएक्शन होती है, आयरन कैटलिस्ट मॉलिब्डेनम प्रमोटर के प्रेजेंस में N2 गैस प्लस H2 गैस मिलके क्या बनाते हैं, 2NH3 गैस अमोनिया बनाता है। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए यहां पे इस रिएक्शन के बेसिस पे पहले मैं अगर देखने जाऊं, ठीक है, मैं लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, इस रिएक्शन के बेसिस पे अगर मैं देखने जाऊं तो कितने ग्राम नाइट्रोजन को कितने ग्राम हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो यहां से पता चल सकता है। लाइक 1 मोल नाइट्रोजन कितने से रिएक्ट करता है, 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से कंप्लीटली रिएक्ट करता है। अच्छा, मास के टर्म में देखूं तो 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 28 ग्राम, एंड 3 मोल हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 6 ग्राम। तो रिएक्शन हमसे क्या बोलती है, रिएक्शन हमसे ये बोल रही है कि अगर आपने 28 ग्राम नाइट्रोजन लिया हुआ है तो वो पूरा पूरा कितना हाइड्रोजन कंज्यूम करेगा, 6 ग्राम हाइड्रोजन को कंज्यूम करेगा। ये एक स्टैंडर्ड हो गया भाई, क्योंकि ये रिएक्शन तो बैलेंस्ड है ना, तो ये रिएक्शन खुद ही बता रही है कि कितने नाइट्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन मेरे को लेना चाहिए। तो मैंने यहां पे देखा तो 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट 6 ग्राम है, जबकि हमने वहां पे लिया कितना है, 28 ग्राम नाइट्रोजन लिया था और उसके साथ 10 ग्राम हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस किया था। तो जब ये 28 ग्राम नाइट्रोजन पूरा कंज्यूम होगा तो वो हाइड्रोजन क्या पूरा कंज्यूम होगा, नहीं होगा, केवल उसमें से कितने ग्राम हाइड्रोजन कंज्यूम होगा, 6 ग्राम हाइड्रोजन कंज्यूम होगा। बाकी का बचा 4 ग्राम हाइड्रोजन वो कंटेनर में बचा रह जाएगा एट लास्ट, क्योंकि भाई इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन जाएगा, इन दोनों की रिएक्शन से 17 × 34 ग्राम अमोनिया बन जाएगा। जब ये 28 ग्राम नाइट्रोजन जाएगा, इसमें से 6 ग्राम हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या बनेगा यहां पे, 34 ग्राम अमोनिया का बनेगा। लेकिन उस कंटेनर में केवल अमोनिया नहीं होगा, क्या होगा, उसमें 4 ग्राम हाइड्रोजन भी बचा रहेगा। बात को समझ रहे हैं आप, है ना।
कि भाई 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो 34 ग्राम अमोनिया का देगा, वो तो अमोनिया बन जाएगा चलो, बट उसमें से हाइड्रोजन भी तो बचा रह गया, कितना बचा रह गया 4 ग्राम हाइड्रोजन बचा रह गया, क्लियर है। तो अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलेंगे, इन दोनों में से पहले कौन खत्म हो गया, हमने जो भी रिएक्टेंट्स लिए थे उसमें से पहले कौन कंज्यूम हो गया, उसमें से पहले नाइट्रोजन कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्ट में आप इसको LR भी बोल सकते हैं। तो यहां के केस में अगर मैं LR बोलूं तो LR कौन है, नाइट्रोजन गैस यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट था, क्योंकि नाइट्रोजन जब 28 ग्राम कंज्यूम होगा तो पूरा पूरा हाइड्रोजन अभी कंज्यूम नहीं हुआ है, हाइड्रोजन तो बचा हुआ है, हाइड्रोजन तो चाहता है कि रिएक्शन चलती रहे, बट नाइट्रोजन ही खत्म हो गया है तो अब ये हाइड्रोजन अमोनिया से थोड़ी रिएक्ट करेगा, बात समझिए, है ना, नाइट्रोजन खत्म हो गया, हाइड्रोजन खत्म नहीं हुआ है, तो जो पहले खत्म हो गया है उसने रिएक्शन को एक तरीके से स्टॉप कर दिया है, रिएक्शन पे एक लिमिट लगा दी है कि भैया अब रिएक्शन और आगे प्रोसीड नहीं करेगा, अभी और नाइट्रोजन होता तो रिएक्शन अभी आगे प्रोसीड कर रही होती, क्योंकि हाइड्रोजन तो अभी पड़ा ही है, अगर हाइड्रोजन को और नाइट्रोजन मिले तो रिएक्शन फिर चलने लगेगी, बट रिएक्शन पे लिमिट किसने लगाया, पहले खत्म कौन हो गया, नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, नाइट्रोजन है। हाँ, हाइड्रोजन को एक नाम से बुला सकते हैं, वो एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है, एक्सेस रिएजेंट जो बच जाए, ठीक है, जो रिएक्टेंट बच जाए कंटेनर के अंदर अनरिएक्टेड फॉर्म में, उसको हम एक्सेस रिएजेंट बोल सकते हैं, और एक्सेस रिएजेंट हाइड्रोजन गैस है यहां पे, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, जैसे क्वेश्चन मुझे यही क्वेश्चन दे देता तो यहां पे टोटल 3-4 चीजें पूछ सकता था, 3-4 चीजें क्या कहता कि हमसे 28 ग्राम नाइट्रोजन है, उसको हमने रिएक्ट किया 10 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, तो पहला बता दो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, दूसरा बता दो एक्सेस रिएजेंट कौन होगा, फिर एक्सेस रिएजेंट का कितना अमाउंट बचा हुआ होगा, और फिर प्रोडक्ट कितना बना हुआ होगा, ठीक है। ये चार चीजें हमसे नॉर्मल क्वेश्चन में पूछ सकता है, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट का कितना अमाउंट एक्सेस में बचा, और जो प्रोडक्ट बना उसका कितना अमाउंट बना, ठीक है, क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कभी भी जब प्रोडक्ट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी हो कि प्रोडक्ट कितना बना, तो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से कैलकुलेट करेंगे। क्यों लिमिटिंग से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लिमिटिंग ही हमें सही आइडिया देगा कि कितना प्रोडक्ट बना है, एक्सेस वाला तो अभी बचा हुआ है, तो एक्सेस के इनिशियल अमाउंट से अगर आपने प्रोडक्ट निकाल दिया तो वो रॉन्ग कैलकुलेशन आएगा, क्योंकि एक्सेस रिएजेंट का पूरा अमाउंट कंज्यूम नहीं हुआ है। अब मैं अगर यहाँ पे 10 ग्राम हाइड्रोजन के बेसिस पे कितना अमोनिया बनेगा ये कैलकुलेशन कर देता है तो गलत आता, क्यों गलत आता, क्योंकि 10 ग्राम हाइड्रोजन पूरा कंज्यूम हुआ ही नहीं है, ठीक है। हाँ, 6 ग्राम हाइड्रोजन के बेसिस पे निकालूं जितना कंज्यूम हुआ था तो उससे भी प्रोडक्ट सही आएगा, बट उसके लिए हम करें क्या, सबसे पहले जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही पहचान लें, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट कर लें, और उसकी हेल्प से ही हम क्या करें प्रोडक्ट को कैलकुलेट करें, तो वो बिल्कुल सही आंसर आएगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही इनिशियली क्या हो गया था, वो फिनिश हुआ था, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे भी कर लेते हैं, एक्सेस रिएजेंट के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, मैं थोड़ा सा वैल्यू उसको चेंज कर देता हूं या रिएक्शन ही चेंज कर देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन लाइक सपोज करिए हमें दिया हुआ है कि 50 ग्राम मीथेन रिएक्ट्स विथ 40 ग्राम O2 गैस, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मीथेन का कंबस्शन हो रहा है, 50 ग्राम मीथेन ने रिएक्ट किया 40 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो कहता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया कि भाई 50 ग्राम मीथेन की रिएक्शन मैंने कराई 40 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, मीथेन का कंबस्शन किया,
कहता है, पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सीओ टू विल बी प्रोड्यूस्ड। तो मीथेन का कंबस्शन करेंगे जब O2 के साथ, तो क्या बनेगा, सीओ टू प्लस वाटर। पहले तो चलिए बैलेंस रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। पहले बैलेंस रिएक्शन कि CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। बैलेंस किया इसको, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ 2 इंट्रोड्यूस किया, ऑक्सीजन 2 to 4 है तो यहाँ पे 2 इंट्रोड्यूस कर लिया, ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन। अब देखिए पहले हम खुद से देखते हैं कि कितना मीथेन कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है, फिर उसके बेसिस पे हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करेंगे, ओके। चलिए देखिए यहाँ पे 12 × 4 = 16 ग्राम अगर मीथेन होता तो ये 32 × 2 = 64 ग्राम O2 से रिएक्ट करता। अगर 16 ग्राम मीथेन होता तो वो 64 ग्राम ऑक्सीजन को कंज्यूम करता, ठीक है। अब यहां पे हमने ऑक्सीजन कितना लिया हुआ है, 40 ग्राम लिया हुआ है ना। या ऐसे बोलो कि 64 ग्राम हमारा ऑक्सीजन होता तो वो कितने मीथेन का कंबस्शन करा पाता, 16 ग्राम का करा पाता। हमने ऑक्सीजन कितना लिया है, वैसे हम दोनों साइड से चल सकते हैं, मीथेन के अमाउंट से ऑक्सीजन का निकाल लें या ऑक्सीजन के अमाउंट से मीथेन का निकाल लें, दोनों तरफ से हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा। चलिए एक साइड से मैं करके पहले आपको दिखाता हूं, ठीक है। हमने कितना O2 लिया है, हमने लिया है 40 ग्राम O2, ठीक है। तो अब उल्टा सोचो, इधर से 64 ग्राम ऑक्सीजन होता तो वो कितने मीथेन का कंबस्शन करा पाता, 16 ग्राम का। अब अगर 40 ग्राम O2 है तो वो कितने मीथेन का कंबस्शन करा पाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, 40 × 16 / 64 हो जाएगा, 40 × 16 / 64 इतने ग्राम मीथेन का कंबस्शन करा पाता। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 16 × 4 = 64 है ना, इंटू 10 ये 40 हो जाता, 10 वैल्यू आई, 10 ग्राम। अब समझिए 40 ग्राम ऑक्सीजन कितने मीथेन का कंबस्शन करा सकता है, 10 ग्राम का, जबकि हमने क्वेश्चन में क्या लिया है, 40 ग्राम O2 के साथ पूरे 50 ग्राम मीथेन का कंबस्शन करा रहे हैं। तो कितना मीथेन बच जाएगा, मीथेन तो बच ही जाएगा ना, क्योंकि 40 ग्राम ऑक्सीजन जो हमने लिया वो कितना मीथेन को कंबस्शन कराने के कैपेबल है, वो केवल 10 ग्राम मीथेन का कंबस्शन करा सकता है, जबकि मीथेन हमने 50 ग्राम कंटेनर में डाला था। तो क्या मीथेन बचेगा, बिल्कुल बचेगा, कितना बचेगा, 40 ग्राम बचेगा। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हुई, लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलेंगे, O2 को, क्योंकि वही पहले खत्म हो जाएगा, ये तो बचा रहेगा। एक्सेस रिएजेंट कौन होगा, एक्सेस रिएजेंट यहां पे मीथेन होगा। एक्सेस रिएजेंट का अमाउंट कितना बचेगा, तो अमाउंट कितना बचेगा, है ना, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट तो वो कितना बचेगा, वो बचेगा 50 में से 10 ग्राम कंज्यूम हो जाएगा, 40 ग्राम बचेगा। बात क्लियर हो रही है। अब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देखिए निकाल दो, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किससे निकालना चाहूंगा मैं, O2 से निकालना चाहूंगा, क्योंकि वही पूरा कंज्यूम हुआ है। अदरवाइज इसके 10 ग्राम से निकाल दूं तो वो भी आंसर सही आएगा, है ना। तो चलिए यहां पे CO2 कितना बनता है, अगर मैंने 64 ग्राम O2 लिया हुआ था तो CO2 1 मोल बनता है, मींस 44 ग्राम बनता है, है ना, 64 ग्राम O2 से 44 ग्राम CO2 बनता है। तो यहां से निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कैसे निकल सकता है, वही अपना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर हमारे पास 40 ग्राम 64 ग्राम O2 है तो उससे कितना CO2 बनता है, 44 ग्राम CO2 बनता है। तो अगर हमारे पास 40 ग्राम O2 है तो उससे कितना CO2 क्रॉस मल्टीप्लाई 40 × 44 / 64। क्लियर है, इतने ग्राम CO2 बनेगा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो CO2 का अमाउंट होगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीजें आपको क्वेश्चन में हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 पूछा था वो भी निकाल दिया मैंने, और साथ में आपको ये भी बता दिया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सेस रिएजेंट कौन है, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट कितना बचेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है, ठीक है। अभी 50 ग्राम मीथेन से मैं निकाल देता कितना CO2 बनेगा तो वो रॉन्ग होता,
है ना, बिना लिमिटिंग रिएजेंट पहचाने मैं किसी भी एक से कैलकुलेशन कर देता तो हो भी सकता है वो सही आता और हो सकता है वो गलत भी आ सकता था, क्योंकि हमें पता नहीं दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो पहले हमने डिसाइड किया लिमिटिंग कौन है, तो लिमिटिंग O2 है, O2 से निकालूंगा तो हमेशा सही आएगा, है ना, यहाँ पे, क्योंकि लिमिटिंग O2 है। ठीक है, मीथेन से निकालूंगा तो उसके 50 ग्राम से अगर प्रोडक्ट निकालूंगा तो रॉन्ग आ जाता, हाँ 10 ग्राम से निकालूं तो फिर से आंसर वही सेम आ जाएगा जो O2 से आया हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर से अच्छे से समझ लीजिए, लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चंस बहुत सारे फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।